धन्यवाद किस बात का भाई? गुरु दक्षिणा में कुछ नारियल मिठाई लाई होती। आपको जो मिठाई पसंद हो खिला दूंगी। आपको जो पसंद हो गुरुदेव वही खा लेंगे। जी को तो हलवा पसंद है। अच्छा। तो बोलिए कब आए आपके घर मिठाई खाने? घर नहीं नहीं मैं ले आऊंगी बना के। आप घर के नाम से इतना डरती क्यों है? नहीं नहीं तो ये रखी। ये क्या गुरु दक्षिणा भी दे रही है? ये डॉक्टर डी कुमार का पेन है और हमारी प्रेमा मासी ने कहा है कि जब आप शहर जाएं तो इसे लौटा दें। उनका तो आज ही मेरे पास एक कार्ड आया है, उसमें लिखा है कि प्रेमा जी से कहना मुझे उनकी चिट्ठी मिल गई है और उनसे ये भी बताना कि मैंने उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैं उनके साथ मिलकर सुजानपुरा में काम करूंगा। आप अपनी मौसी से कहना कि ये पेन उन्हें खुद ही लौटा दें। चलो अच्छा है, प्रोजेक्ट के बहाने वो यहाँ रह भी सकेंगे। आप किसी बहाने सुजानपुरा नहीं रुक सकोगे भाई जी। वैसे मैं अपने उपन्यास के लिए आंचलिक रंग जुटाने के वास्ते यहाँ रहने की भी सोच रहा हूँ। आंचलिक रंग का मतलब आंचल का रंग हुए है ना? नहीं, यहाँ आंचल का मतलब है सारा सुजानपुरा। वो तो ठीक है, पर सारे सुजानपुरे में ये आंचल भी तो शामिल है ना? वैसे ये आंचल ठेठ सुजानपुरा का तो नहीं। मैंने आप लोगों को यहाँ का पोशाक कभी पहले देखा नहीं? घर पे माँ के ट्रंक में बहुत सारे पुराने घाघरा चोलियाँ हैं, उसे हम आपको पहन के दिखा देंगे। सर हिलाओ तो तुम जरूर, लेकिन ऐसे ऐसे। ये घाघरा बड़ा सुंदर है, ये चोड़ा तो बहुत अच्छा है। माँ ये साड़ी तू कुसुम को दे दे पहनने को, ये तेरी दादी की है। तो ये कौन हमारी दादी से कुछ कम है? और माँ तू मेरी बात मान ले, ये सब साड़ियाँ तू रोजमर्रा के पहनने की कर ले। ये देख ये कितनी सुंदर साड़ी है, नई नई साड़ियाँ ट्रंक में कीड़े खा रहे हैं और तू फटी साड़ियाँ सी सी कर पहनती रहती है। वो साड़ियाँ रख दे, राजू की बहू के काम आएंगी। देख क्या रही है, रख दे रख दे। अब तो राजू की बहू के नसीब में उतरनी पहनने को रह गई है। नोटिस भिजवा दिया सुमित्रा फौजी के जेठ ने। मक्कार कहता है कि हमने उसके बीमार और बेहोश भाई को गायब कर दिया, उसका सारा जेवर और पैसा लेकर उसे मार दिया, किसी को खबर किए बगैर लाश ठिकाने लगा। मैं पूछता हूँ ऐसा बेहुदा नोटिस उसने भिजवा कैसे दिया? रजिस्ट्री से भिजवाया है बाबा जी, एडी। अब भुगतते रहिए फौजदारी का केस।